अगला क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से है, उसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का एक ग्राफ बनाते हैं, उसी ग्राफ से रिलेटेड सवाल है। इसमें कहा गया एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर अलोंग द एक्सिस ऑफ मिरर, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन एम वर्सेस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एक्स, एम और एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। एक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एम मैग्नीफिकेशन है ना। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमें पता है कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है माइनस वी बाई यू, जो मिरर फॉर्मूला होता है वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। इसमें से अगर वी निकालते हैं हम लोग तो ये आता है यू एफ बाई यू माइनस एफ। तो वी बाई यू कितना आएगा, ये आएगा माइनस एफ बाई यू माइनस एफ। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, मैग्नीफिकेशन में एक माइनस साइन अलग से लगा हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वी बाई माइनस नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये माइनस एक आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा माइनस एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। वी बाई यू का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि जो u दिया गया है क्वेश्चन में, उसको क्वेश्चन में x लिखा गया है। ठीक, और ये x जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका फोकल लेंथ भी निगेटिव में होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के आगे है और इधर जो है ये x धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। x बढ़ता जाएगा तो x और f के बीच का जो डिफरेंस है वो भी बढ़ेगा, ये जो धीरे धीरे बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर बढ़ने से क्या होगा, मैग्नीफिकेशन घटेगा। तो मैग्नीफिकेशन देखेंगे, एक तो इसमें घटाया गया है और एक इसमें घटाया गया, इन दोनों में मैग्नीफिकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है। तो दो और तीन, इन दोनों में से कोई ऑप्शन अपना सही हो सकता है। कैसे चेक करें, हमें पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, है ना, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 2f पर, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इक्वल साइज का इमेज बनता है, उल्टा बनता है, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन होता है माइनस वन। हालांकि यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेना है, यानी पॉजिटिव लेना है, तो ये कहा जा सकता है कि जब 2f पर ऑब्जेक्ट होगा, यानी x का वैल्यू 2f होगा, तो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड आएगा वन, है ना। तो देखेंगे इसमें दिखाया गया है 2f पर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीफिकेशन 1 बताया गया, इसमें जो है f पर मैग्नीफिकेशन 1 बताया गया, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। एक ही ऑप्शन सही बचता है जो कि सेकेंड वाला ऑप्शन है।